मंडी जिला के उपमंडल करसोग में से बहुल व सब्जी उत्पादन वाले क्षेत्रों में सतलुज नदी के पानी से कृषि के लिए सिंचाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ये बात शनिवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शनिवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने उपमंडल करसोग में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 1.27 करोड़ रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना पंजियाणु से छंडियारा का उद्घाटन और 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन सोई कुफरीधार का शिलान्यास किया। इसके उपरांत उन्होंने 2 दिवसीय जश्न देव शिव शंकर मेले कैंप वली के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उसमें चुराग, कलासर, सोरता, बखरौट, मोहनाग, मसोग, ततापानी, कांडा और साथ में लगते हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ये जो आपका सारा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए, हर खेत के लिए पानी सिंचाई के लिए पहुंचे। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को, अपने विभाग के चीफ इंजीनियर को, अपने विभाग के एससी और एक्शन साहब को कहा कि आप इसका सर्वे इन्वेस्टिगेशन करें, और सर्वे इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत मुझे बताएं कि कितने अमाउंट की बन रही है। मुझे आज ये कहते हुए, क्योंकि आज मैं इस देव सदन में देवता जी के चरणों पे बैठ करके कह रहा हूं कि इस योजना के ऊपर, सिंचाई की योजना के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार ठाकुर जयराम जी के रहनुमाई में देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास हम जा रहे हैं कि हमारी इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के ऊपर स्वीकृत करें, ताकि ये सारा क्षेत्र हमारा, जो सेब बाहुल क्षेत्र है, जो सब्जी पैदा करने वाला क्षेत्र है, भविष्य के लिए हम एक बहुत बड़ी योजना जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।